सुजैन एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई थिंक सबसे बढ़िया, बेहतर और खुश ही हो गए, क्योंकि इन्हें नेविक आप सभी बोल रहे थे वैकेंसी कब आएगा, वैकेंसी कब आएगा, और फाइनली नोटिफिकेशन आ गया। मैंने बताया अभी तक कि वैकेंसी आने वाला है, ठीक है। मुझे पता चला था कहीं से कि वैकेंसी इसका जल्दी आ जाएगा। मैंने टेलीग्राम पर अपडेट भी किया था आज से 2-3 दिन पहले, आज सुबह भी डाला था कि वैकेंसी आने वाला है, बट कब आ जाएगा ये नहीं पता था। सो फाइनली नोटिफिकेशन आउट हो चुका है कम्प्लीट। हम यहाँ पर आपको सारी की सारी जानकारी देने वाले हैं, और कोई डाउट आप सभी का आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में आज कर लीजिएगा। सबसे पहले क्या है आपका बैच है जो 02-2024 के बैच के कैंडिडेट के लिए। नेवी की प्रिपरेशन अगर करने का सोच रहे हो तो मैं बता दूं, नेवी एक ईजी नहीं है सर। फिलहाल के बेसिस पे ट्रेनिंग टाइम आपको मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया है। ट्रेनिंग जो ट्रेनिंग 26-27 महीने की होती थी वो आपका लगभग 4 से 5 महीने में बेसिक में सारा का सारा हो जाता है। फिर उसके बाद एडवांस ट्रेनिंग में सारा का सारा प्रोसेस सिखाया जाता है। सिर्फ ट्रेनिंग होती है, उसके बाद फिर एडवांस ट्रेनिंग होती है। एडवांस के लिए कोची था मतलब कोची भेजा जाता है कुछ लोगों को, कुछ लोगों को आपका गुजरात भेजा जाता है, INS वलसुरा। फिर वो मैं बाद में आपको बता दूंगा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कैसे क्या होता है, ठीक। तो एलिजिबिलिटी कंडीशन हम यहाँ पर आपके साथ में सारा का सारा शेयर करते हैं, कौन कौन कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर पाए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप 10+2 पास आउट है अपने मैथमेटिक्स फिजिक्स और बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड, यू नो, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पास कर रखा है, और आपके 50% मार्क्स इन एग्रीगेट टोटल होने चाहिए, ठीक है। आपके 50 मार्क टोटल होने चाहिए, ठीक है। किसी के 50 नंबर से अगर कम हैं तो कुछ नहीं, ओवरऑल यहाँ पे एग्रीगेट लिख रखा है, मतलब 50% मार्क्स अगर आपके हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अगर आपने इंजीनियरिंग का रखा है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और ऑटोमोबाइल से, तो सर आपके 50% मार्क्स है तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलो, यहाँ पे क्या है, कैंडिडेट हु हैव अपियर्ड इन क्लास 12th बोर्ड एग्जाम और एंड आर वेटिंग डिक्लेरेशन। देखो जो बोर्ड एग्जाम में जैसे वेट मतलब अपियर हो चुके हैं और नेवी का पेपर देना चाहते हैं, ठीक है, वो इसके लिए भी एलिजिबल हैं, ठीक है, वह अप्लाई कर सकते हैं। वो चीज़ इस बार यहाँ पे मेंशन करिए। इस बार काफ़ी सारी नई चीज़ें हुई हैं, काफ़ी सारे बदलाव हुए हैं, मैं सारे के सारे आपको कंप्लीट इस वीडियो पर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चल आगे यहाँ पे लिखा है, एज की अगर बात कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, 1 नवंबर 2003 से लेकर 30 अप्रैल 2007, ये दोनों डेट को भी शामिल किया गया है। मतलब इसके बाद जिसका जन्म हुआ है वो और इसके पहले जिसका जन्म हुआ है वो दोनों लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मैरिटल स्टेटस आप मेल कैंडिडेट हो या फीमेल कैंडिडेट हो, आप अग्निवीर अगर बनने जा रहे हो, ये रिक्रूटमेंट ज्वाइन करने जा रहे हो, ये नेवी ज्वाइन करने जा रहे हो, तो फिर आप इस पोस्ट के लिए फिर एलिजिबल नहीं है, ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन ड्यूरेशन फॉर सर्विस अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो नेवी ज्वाइन करने जा रहा हूँ, मेरे फिलहाल इस बैच जो लास्ट के बैच के उसमें काफ़ी जानकारी वाले लड़कियाँ जो अपने आप सारी की सारी चीज़ें मोस्टली चीज़ें बताते रहते हैं, तो लीव जो है वो 30 दिन की मिलेगी, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ शेयर करता हूँ, देखो प्रिपरेशन करने से पहले फैक्ट वगैरह जान लो, ठीक है। अब देखो जैसे आपका ट्रेनिंग होगा, कहाँ पर आपका ट्रेनिंग होगा, जैसे कि उड़ीसा पर, ठीक है। इफ़ यू कम फ्रॉम दिल्ली देन सर आपको छुट्टी मिलेगी, पहले जब ट्रेनिंग 4 महीने की कंप्लीट होगी देन आपको छुट्टी मिलेगी लगभग 10 से 12 दिन की, जिसमें 2 दिन आपका आना होगा और 2 दिन जाना होगा, 6 से 7 दिन। उसके बाद फिर से आपको लगभग 5 महीने के लिए जाना पड़ेगा डिफरेंस सेंटर, हो सकता है आपको कोची जाना पड़े, ठीक, वहाँ पर फिर 5 महीने की ट्रेनिंग, फिर 15 दिन की लीव, समझ रहे हो। तो साल में आपको घर 2 से 3 बार आने को मिलेगा, उसमें 8 से 10 दिन के लिए। साउथ से अगर आप नॉर्थ इंडिया आ रहे हो या फिर आप ऊपर जा रहे हो नॉर्थ साइड में, तो फिर डेफिनेटली यहाँ पे आपको टाइम लगेगा और आपको लीव बहुत कम मिलने वाली है, ठीक है। सिंपल से वर्ड में ये है, और इसके बारे में क्या कैसा होता है वो मैं अभी बाद में बता दूंगा। ये लीव है आपकी। सैलरी कितनी मिलेगी वो मैं आपको सीधा बताता हूँ। आपको मान लो फर्स्ट मंथ से 21,000 रुपये सैलरी मिलने लगेगी, आपके खाते में महीने की 30 तारीख को सैलरी आ जाएगी, ठीक है। और ट्रेनिंग टाइम में आप नेवी का शेड्यूल क्या है, नेवी का ये है कि ट्रेनिंग टाइम में आपकी सैलरी आपकी नहीं आएगी, ट्रेनिंग टाइम में आपकी सैलरी नहीं आएगी, उसके बाद ही आपकी सैलरी आएगी, ठीक है, जब आपके 4 महीने कंप्लीट। क्योंकि ट्रेनिंग टाइम में आपके पास फ़ोन नहीं होगा तो आप उसका यूज कैसे कर सकते हैं, कर ही नहीं सकते। सारा का सारा कैंटीन फैकल्टी जब आप वहाँ से निकलेंगे तब आपको मिल जाएगी, फिर हम आपको बाद में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देंगे। लाइफ इंश्योरेंस कवर, ठीक है, ये सब बात की बातें यार, किसी ही मरना है, ठीक है। यहाँ पे आप एज अ सेलर पोस्ट के लिए ज्वाइन करेंगे, और 4 साल के बाद ये नहीं कि ऐसे जो अच्छा परफॉर्म करेंगे, जो बेहतर होंगे उनको ले लिया जाएगा वहाँ पे, मतलब फिर टेस्ट वगैरह होंगे, बट हाँ ओवरऑल जो कैंडिडेट अच्छा परफॉर्म करेंगे उनमें से लगभग 1/4 कैंडिडेट को वहाँ पे रख लिया जाएगा, बाकी सारे कैंडिडेट को आउट कर दिया जाएगा, ओके। आगे बात करते हैं,
इसके बारे में भी बता देंगे कि वहाँ पे निकलने के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आप जब चाहे तब वहाँ से निकल सकते हैं, ये भी वहाँ पे मतलब होता है। ठीक है, चलो नेवल पेंशन रेगुलेशन ग्रेविटी वो नहीं है, खैर यहाँ पे मेंशन कर रखा है पेंशन वगैरह। चलो तो मेडिकल वगैरह भी बात में, मेडिकल वगैरह की बातें बाद में हम कभी कर लेंगे, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देंगे। सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं क्या सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे पहले सर आपका एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका स्टेज टू होगा जिसमें आपका पीएफटी होगा, पीएफटी, और उसके बाद आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। स्टेज टू में रिटर्न एग्जामिनेशन होगा और उसी के बेस पे मेरिट बनेगी, फिर फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, चलो सबसे पहले स्टेज फर्स्ट का एग्ज़ाम होगा। मैं आप सभी की स्टेट का कट ऑफ भी बता दूंगा, किस स्टेट का कितना कट ऑफ जाता है, मेल कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट। ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें शॉर्ट लिस्ट जो किया जाएगा, वो सारी की सारी चीज़ें, और स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है। ओके, इफ़ यू कम फ्रॉम साउथ इंडिया और इफ़ यू कम फ्रॉम लाइक एग्जाम्पल देता हूँ बिहार और हरियाणा, सो यू शुड स्कोर फ्रॉम लाइक अगर बिहार से आप बिलोंग करते हो तो आपको लगभग 50 नंबर तक का स्कोर करना पड़ेगा, हरियाणा से आप बिलोंग करते हो तो यहाँ से भी इतना करना पड़ेगा, लेकिन आप कोई साउथ या फिर गुजरात से बिलोंग करते हो तो आप 30 नंबर भी ले आएंगे तो सर आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका वेरी स्टेट बाई कट ऑफ करता है। इंडियन नेवी का जो एंट्रेंस टेस्ट होता है, अब आपको ऊपर वाली चीज़ समझ में आ गई किस वजह से, अब ये जब कट ऑफ आप क्लियर कर लेंगे देन आपका स्टेज टू होगा। स्टेज टू के बारे में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बाद में कभी दे देंगे कि क्या कैसे कब कहाँ क्या क्या चीज़ें होती हैं। वो नेवी एंट्रेंस टेस्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक पेपर होगा आपका, 100 क्वेश्चन आएंगे, हम आपको प्रिपरेशन भी कराएंगे, यूट्यूब पे फीड में पीडीएफ आपको देंगे एग्जाम रिलेवेंट, जिससे आप आराम से एग्जाम इजिली क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि पेपर में आपका निगेटिव मार्किंग वो खैर अब होता है। ठीक है, सेकेंड पेपर में नहीं होता है, वो मैं आपको सारा का सारा बता दूंगा कब होता है कब नहीं होता है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, तो उसकी टेंशन लेने जैसी कोई नीड नहीं। क्वेश्चन पेपर जो बिलिंगुअल होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा, 4 सेक्शन में डिवाइड होगा, इंग्लिश साइंस मैथमेटिक्स और जनरल अवेयरनेस। देखो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस में आपको लगभग 17 से 18 क्वेश्चन मिलेंगे जीके के, और उसके बाद 7 से 8 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के, काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं। मैं आपको पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि आपको जीके वाला सेक्शन और रीजनिंग वाला सेक्शन, मतलब 2-3 स्टेट छोड़ के मैं हर एक स्टेट का कट ऑफ आपका क्लियर करा दूंगा। 50 में से लगभग टारगेट करेंगे 35-40 स्कोर आराम से किया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आप पे नेक्स्ट। सिलेबस वगैरह आपको देखना है तो नेवी की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, अदरवाइज ऑनलाइन एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे भी आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको फिर से प्रोवाइड कराऊंगा। 1 घंटे का समय होगा, 7 क्वेश्चन आपको करने होंगे। रॉन्ग आंसर के लिए पेनाल्टी होगी 1/4 की, निगेटिव मार्किंग होगी, सर आप समझ गए होंगे, मतलब 4 में से 1 कट जाएगा। फीस कितने लगने वाली, तो 550 रुपये तो ये फीस लगेगी, उसके बाद आपका 60 रुपये GST का चार्ज लगेगा, और अगर आप फॉर्म खुद से नहीं फिल कर रहे हो किसी से फिल करवा रहे हो तो लगभग 50 रुपये हम वहाँ पे जोड़ लेते हैं, तो 60-50 110 हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो लगभग 650 रुपये आप टोटल मान सकते हैं कि 650 रुपये आपके लगने वाले हैं। ठीक है, और एक बार अगर आपने फ़ी पे कर दी तो फिर आपकी वो रिफंड नहीं होने वाली। स्टेज टू जो होगा वो PFT होगा, रिटर्न होगा, फिर आपका मेडिकल एग्ज़ाम होगा। स्टेज टू में PFT होगा, रिटर्न होगा, फिर मेडिकल एग्ज़ाम होगा, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसके बारे में देख लेते हैं। जब स्टेज फर्स्ट आप क्लियर कर लेंगे, कट ऑफ आ जाएगी, तो आपको स्टेज टू के लिए बुलाया जाएगा। सबसे पहले तो आपका PFT होगा, यहाँ पे ये चेंजमेंट है कि मेल कैंडिडेट को 6 मिनट 30 सेकंड में रनिंग कंप्लीट करनी होगी। ठीक है, और उनको 20 स्क्वाट्स करनी होंगी, पुशअप 15 करनी होगी, और बेंट नी 15 करनी होगी। एयरफोर्स के कंपेरिजन पे नेवी का जो फिजिकल है वो हार्ड है, पहले ये बिल्कुल अपोजिट था, नेवी 7 मिनट लेती थी जब अपन दौड़े मुंबई सेंटर पे या फिर पंजाब सेंटर पे, तो सर हमेशा वहाँ पे उन्होंने करा क्या है कि उन्होंने हमेशा मतलब 7 मिनट का टाइमिंग होता था, बट अभी एयरफोर्स में 7 मिनट का हो गया, नेवी में यहाँ पे 6.5 मिनट का हो गया। समझ में आ रही है आपको चीज़ें? ठीक है, कोई नहीं, 6.5 मिनट में आपको रनिंग हिट करनी पड़ेगी, 20 स्क्वाट्स और 10 पुशअप, 15 पुशअप्स और बेंट नीज, आपको सेटअप्स 15। अब यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के लिए बता देता हूँ, अब फीमेल कैंडिडेट को 8 मिनट में रनिंग 1600 मीटर कंप्लीट करना होगा, उसके बाद स्क्वाट्स आपको 15 करने होंगे और 10 पुशअप करने होंगे। ये बहुत कठिन है, फिलहाल मैं बता देता हूँ, आप जब ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद आपके लिए बिल्कुल कठिन नहीं होगा। जब आप ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद बिल्कुल भी कठिन नहीं होगा। ठीक है, तो क्योंकि ट्रेनिंग जब होगी शुरू में आपको बहुत मतलब ये डिफिकल्ट होता है, बेसिकली फीमेल कैंडिडेट को मैं बता रहा हूँ। ठीक है,
यहाँ पे आपको पुशअप वगैरह, अब हो सकता है आपने कभी प्रैक्टिस ना की हो, अब अगर आपको नेवी ज्वाइन करना है तो चीज़ें अगर करनी पड़ी तो वहाँ पे होगा क्या कि ट्रेनिंग टाइम आपको मतलब वो सारी की सारी चीज़ें प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो ये 10 पुशअप, अभी जो फीमेल कैंडिडेट है वो 20-25 कर लेते हैं, बट आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। फिलहाल के बेसिस पे आपका कट ऑफ वगैरह कम ही रहेगा, बट आपका ये वाला टास्क जो होगा वो डिफिकल्ट होगा। जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ ना, एक एक्सपीरियंस के बेसिस पर काफ़ी सारी चीज़ें मुझे पता है, ठीक है। चलो, रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन, कंप्लीट मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, इसके बारे में फिर हम बाद में बात कर लेंगे, ठीक है। मैक्सिमम मतलब वो आपका फेस टू फेस आपका मेडिकल हो जाएगा, फिर मेडिकल मेरिट लिस्ट की बात कर लेते हैं। तो मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो स्टेट वाइज बनेगी, वैरी करेगी स्टेट वाइज, मतलब स्टेट टू स्टेट अलग। मैंने बोला ना कि वो जो सेकेंड पेपर होगा उसके बेसिस पे मेरिट बनेगी, उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और लगभग इफ यू कम फ्रॉम गुजरात देन आप 35 नंबर स्कोर कर लेते हो, मतलब आपका तुक्का भी सही लगता तो भी आप होने के चांस हैं। यूपी और बिहार से आते हो तो 45 से 50 नंबर के बीच में लाओगे तो होने के चांसेस बन जाएंगे। हाँ, वैकेंसीज बारे में नेवी ने नहीं क्लियर करी, क्योंकि वो नहीं ओपन करना चाहते एयरफोर्स की तरह उनको भी कि कितने पोस्ट हैं या कितना कुछ। फाइनल रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन आपका चिल्का में होगा, ये भी मेडिकल में बताऊंगा कि कितना मेडिकल एग्जाम ये लोग कराते हैं वहाँ पे फाइनल चिल्का में। ज्वाइनिंग जिस दिन होती है उसी दिन आपको अपना डिवीज़न मिल जाएगा। सर, डिवीज़न क्या होता है आपको अगर नहीं पता, तो जिस दिन आपका ज्वाइनिंग होगा उसी दिन वहाँ पे आपको आपका डिसाइड हो जाएगा। जैसे डिवीज़न के नाम बताता हूँ, अर्जुन होता है, विक्रमादित्य होता है, और भी ऐसे करके बहुत अंगद होता है, ऐसे मतलब घर है मान लो ऐसे चार, ठीक है। और आप जब जाएंगे तो पहले दिन ही आपको मिल जाएगा, आपके हैंड में वो बांध दिया जाएगा। मान लो ऐसे काले कलर का, तो मान लो काले कलर का कुछ है, जो ब्लू कलर का आई थिंक होता है वो विक्रमादित्य होता है, ऐसे करके। तो वो फिर आपको उसमें इस काले कंपार्टमेंट में भी जाना होगा, यहाँ पे आपका होगा। फिर इन्हीं लोगों में बाद में ट्रेनिंग के बाद फिर सबके कंपटीशन होंगे, बोट रेसिंग कंपटीशन और वॉलीबॉल कंपटीशन, जितने सारे गेम्स होते हैं वो सारे कंपटीशन, पढ़ाई में कंपटीशन, सारा का सारा कुछ। अब कुछ ट्रेनिंग कराई जा रही है तो डेफिनेटली कंपटीशन तो होंगे। मेडिकल एग्जामिनेशन मेल एंड फीमेल के लिए, इसके बारे में मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। एक इस बार बड़ा चेंजमेंट है, ठीक है, एक इस बार बड़ा चेंजमेंट है कि मे भी हो सकता है किसी ने नहीं नोटिस किया हो, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये देखो यहाँ पे पहले फीमेल कैंडिडेट का हाइट जो होता था वो 152 सेंटीमीटर होता था, बट अभी जो फीमेल कैंडिडेट का हाइट है वो 157 सेंटीमीटर कर दिया गया है, ठीक है। तो मतलब मैं भी चाहता है कि मेल भी सेम हो, फीमेल भी कैंडिडेट सेम हो, मतलब हाइट में भी छूट नहीं यहाँ पे दी उन्होंने। चलो आगे, टैटू वगैरह नहीं होने चाहिए, ज़्यादा अच्छा है, होंगे तो भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। विजन वगैरह यहाँ पे देख लो, मैं आपको बता दूंगा मेडिकल एग्जाम के बारे में बाद में। ट्रेनिंग आपका सर कब से स्टार्ट होगा? तो ट्रेनिंग आपका स्टार्ट हो जाएगा नवंबर 2024 से आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। अब आगे क्या कब क्या प्रोसेस होगा वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, अब एक ही वीडियो में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा सकती है, ठीक है। ओके, एडमिट कार्ड कब आएंगे? वो एग्जाम से 15-20 दिन पहले आपको देखने को मिल जाएंगे। वो सारी चीज़ें अपन टाइम टाइम से आप सभी को अपडेट करते रहेंगे टेलीग्राम पे, ठीक है। रिजल्ट आपका जो है वो टेंटिवली 30 दिन के अंदर आ जाएगा, वो चीज़ें हमें यहाँ पे बता रखे हैं। सिलेक्शन जो कैंडिडेट अगर ठीक है कुछ उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी वो मैं आपको जरूर बताऊँगा। चलो, फॉर्म आप 13 मई से अप्लाई कर सकते हैं और 27 मई, आपके पास लगभग 13 से 14 दिन का समय है, 14 दिन का समय है, ठीक है। हम इन 13-14 दिन में फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने से पहले मैं आप सभी को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, जैसा क्या 60 रुपये GST चार्ज भी है। यहाँ पे आप agnivir.cdse.in पे जाके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फोटोग्राफ जो है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वगैरह आपको अपलोड करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल जैसे होता है वैसे कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म फिलअप करने से पहले मैं आपको बता दूंगा, बाकी गलतियां मत करना, लास्ट डेट 27 मई है फॉर्म फिल करने से पहले। बाकी यही था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कितनी वैकेंसी है ये नेवी ने नहीं इस बार क्लियर किया। लास्ट टाइम बताया था कि 4000 पोस्टें थी, 4500 पोस्टें थी, मैटर करता है वैकेंसी। अब यहाँ पर कोई कैंडिडेट अगर कट ऑफ पूछेगा तो ये बिल्कुल इलॉजिकल क्वेश्चन होगा, समझदार लोग नहीं पूछे हैं, क्योंकि सर वैकेंसी नहीं पता। अब तुम समझ जाओ अगर 1300 पोस्टें थी पहले वाले बैच में, फिर उनको नेवी ने बढ़ा के 4400 किया, तो सर 1300 और 4400 में 3 टाइम्स से भी ज़्यादा का अंतर है, तो चीज़ें काफ़ी सारी डिफिकल्ट हो जाती हैं, ठीक है। आई होप आप सभी समझ रहे होंगे। अगर हम 2000 फिर भी मैंने बोला कि 50 प्लस का टारगेट करना है और अपन आराम से करेंगे, ठीक है। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, लाइक कर देना। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब का ऑप्शन होता है, यूज कर लेना। जय हिंद।